रचना निर्मेय दो। त्रिभुज की रचना करना जब एक भुजा और उसके सिरों के दो कोणों की माप दी गई हो। उदाहरण दो, किसी त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण बीएसी बराबर 30 अंश, कोण एबीसी बराबर 100 अंश हो तो त्रिभुज की रचना कीजिए। बच्चों, हमारे सामने त्रिभुज की रचना करने की एक और परिस्थिति है और उस परिस्थिति में हमें त्रिभुज की एक भुजा की माप दी हुई है और उस भुजा के दोनों सिरों पर बने हुए कोणों की माप भी दी हुई है। ये उदाहरण दो में हम देखेंगे। उदाहरण दो में हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज एबीसी की रचना करनी है। मान लीजिए हमने एक उसका रफ चित्र बनाया, त्रिभुज एबीसी, एक कोई ऐसा त्रिभुज बनने वाला है जैसे हम एबीसी कह रहे हैं, उसमें ए बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यह हमें दिया हुआ 6 सेंटीमीटर के बराबर और कोण बी ए सी यानी बिंदु ए पर बनने वाला कोण का मान दिया हुआ है बी ए सी, ये है 30 अंश का। कोण बी ए सी बराबर 30 अंश ये हमें दिया हुआ है और दूसरा कोण दिया हुआ है कोण ए बी सी बराबर 100 अंश। कोण ए बी सी यानी ये वाला कोण, ये हमें बनाना है 100 अंश का। तो देखिए जो सूचनाएं हमारे पास हैं, तीन सूचनाएं हैं। एक तो इस त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई हमें दी हुई है ए बी के रूप में, जिसकी माप 6 सेंटीमीटर है। ए पर बनने वाले कोण की माप दी हुई है, ये 30 अंश है, और बी पर बनने वाले कोण की माप दी हुई है 100 अंश है। तो चलिए इसकी रचना करके देखते हैं और ये देखते हैं क्या हम इस प्रकार के त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक भुजा की रचना करेंगे जो हमें बिंदु ए और बी देगा, बिंदु ए और बी का निर्धारण हो जाएगा। इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो हम स्केल पट्टी की मदद से एक रेखाखंड खींचेंगे जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ये देखिए हमने शून्य से शुरू किया और ठीक 6 पर आकर हम रुकते हैं। ये एक रेखाखंड बना जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। यहाँ हम नाम दे दें, इस हिस्से का नाम, इस बिंदु का नाम ए है, इसका नाम बी है और इनके बीच की दूरी ठीक 6 सेंटीमीटर है। अब ए पर जो कोण बनना है वो 30 अंश का है और बी पर जो कोण बनना है वो 100 अंश का है। तो हम चांदी की मदद से कोण की रचना करते हैं। बिंदु ए पर बनने वाला कोण 30 अंश का है, तो चांदी को हम इस तरह से रखते हैं कि इनका ये जो बीच का बिंदु है वो ठीक ए पर पड़े और ये जो आधार की रेखा है वो ए बी रेखाखंड पर पड़े। अब हमें यहाँ पर चूंकि 30 अंश का कोण बनाना है ए पर, तो हम इस पैमाने का उपयोग करेंगे, 0, 10, 20 और 30। यहाँ हम निशान लगाएं और चांदी को हटाकर इस कोण की रचना करें। ऐसे हम एक किरण खींच दें तो उस बिंदु को छू रहा हो जो 30 अंश की माप को प्रदर्शित करता था। यह हमने बना लिया। अब देखिए बिंदु बी पर हम 100 अंश का कोण बनाएंगे, फिर चांदे का इस्तेमाल हम करते हैं और बी पर 100 अंश का कोण बनाते हैं। चांदे को हमने इस तरह से रखा कि जो बीच का बिंदु है वो ठीक बी पर पड़े और जो रेखा है 0-0 को मिलाने वाली वो रेखाखंड ए बी पर पड़े और हमें इस दिशा में कोण बनाना है। तो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये आपका 100। यहाँ निशान लगाएं और उस निशान को हम बी से मिला दें। तो देखिए आपका ये त्रिभुज बनने जा रहा है। हम एक किरण खींचें बी से, आगे बढ़ा दें इसे। ये दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ पर काटती हैं उसे हम बिंदु सी का नाम दें और जो माप हमने बनाई थी कोणों की वो भी वहाँ लिख लें। ये हमने 30 अंश का बनाया था और इस कोण को हमने बनाया 100 अंश का, ये माप हमने यहाँ लिखें। अब आप देखिए जो माप हमें दी हुई थी ए बी सी की वो यहाँ पर है। ए बी हमने रेखाखंड खींचा था 6 सेंटीमीटर का, बिंदु ए पर हमने कोण बनाया 30 अंश का और बिंदु बी पर हमने कोण बनाया 100 अंश का और कोण बनाते हुए जो दोनों किरणें खींची थी वो सी पर मिल रही थी, तो सी उस त्रिभुज का तीसरा बिंदु होगा। तो इस प्रकार
एक ऐसे त्रिभुज एबीसी की हमने रचना कर ली जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर और उस भुजा के दोनों सिरों पर बनने वाले कोण क्रमशः 30 अंश और 100 अंश के हैं। तो एक बार आप भी कोशिश कीजिए इस प्रकार के त्रिभुज के बनाने की। आप नए नए माप लेकर भी ऐसे त्रिभुज बना सकते हैं, तो कोशिश कीजिए। करके देखें। पहला, दी गई मापों से त्रिभुज की रचना कर अपने साथियों से चर्चा करें कि ये किस प्रकार के त्रिभुज हैं। पहला, त्रिभुज PQR में PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, कोण P बराबर 90 अंश और कोण Q बराबर 30 अंश। दूसरा, त्रिभुज MNP में MN बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण M बराबर 90 अंश और कोण N बराबर 30 अंश। दूसरा, रचना करके देखें कि क्या दी गई मापों से त्रिभुज बनाना संभव है। पहला, PQ बराबर 3.5 सेंटीमीटर, कोण Q बराबर 45 अंश और कोण R बराबर 50 अंश। दूसरा, XY बराबर 7.5 सेंटीमीटर, कोण Z बराबर 70 अंश और कोण Y बराबर 40 अंश।